देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण के नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन करवाया है। पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के उम्मीदवार डॉक्टर सहबाज ने भी नामांकन दर्ज कराकर अपनी दावेदारी पेश की है। सहबाज ने बताया कि समाज सेवी के तौर पर अपनी पहचान बनाने के बाद वो राजनीति में उतरे हैं, धर्म की राजनीति से उठकर भाईचारे की राजनीति का भरोसा भी दिलाया है। सहबाज आलम है, अभी हम 58 कस्बा विधानसभा से नामांकन करके निकले हैं और मेरा पॉलिटिक्स में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम तो अब तक समाज सेवी में अपना पहचान बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सरकार का सिस्टम और जनता जो सरकार के द्वारा दिया गया योजना से वंचित है और सरकार के द्वारा जो भी काम हो रहा है उसका गुणवत्ता इतना ख़राब है, ये सब चीज़ नज़र से देखकर प्रैक्टिकल गुजर कर हम अपने आप को एक ये बनाए कि हमको जनप्रतिनिधि के रूप में कस्बा विधानसभा से आना है, क्योंकि वो हमारी मिट्टी है, हम कस्बा विधानसभा ही के हैं और यहाँ से पूरे सीमांचल का जितना हम अब तक सीखे हैं समाज सेवा करते करते, वो अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम जनहित के लिए अपना लगाएंगे। कौन सी पार्टी से नामांकन? AIMIM। अच्छा, क्या आपका चुनावी मुद्दा होगा इस बार? देखिए, चुनावी मुद्दा तो सबसे पहले तो क्या कहा जाए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। यहाँ पर लोग जाति धर्म ये सब में अब तक बट करके वोट करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर सही से काम नहीं होता है। हम लोग सबसे पहले एकता, मतलब हिंदू मुस्लिम साथ चलेंगे और हम लोग कामयाब होंगे और सिर्फ यहाँ विकास का बात होगा और कार्यालय में जिस तरह का भी सिस्टम में जो रिश्वतखोरी है उस पर हम बहुत लगाम लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, रोड सरकार है तो रोड तो बनता ही है, सरकार का जो योजना आता है तो कुछ ना कुछ लोगों को मिलता है और मिलने में भी उन लोगों को मिलता है जो सही हकदार नहीं है। मैक्सिमम जो हम देखे हैं जो सही हकदार हैं उनको नहीं मिल पाता है। हम लोग चिन्हित करके हर पंचायत बेसिस पर एक टीम बनाएंगे, जो सोशल सोच के लोग हैं तो उनका एक टीम बनाएंगे, उनको हम कहेंगे खुद अपने भी लीजिए, दूसरे के लिए भीजिए और वो टीम के माध्यम से जो वाकई में योजना से वंचित लोग हैं उनको हम वो योजना दिलाने में प्रचार प्रसार करके अपना तजुर्बा से दिलाने में बहुत मदद करेंगे। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली कि हिंदू मुस्लिम एकता पर लड़ेंगे जी, और कहीं ना कहीं आपके पार्टी की पहचान एक कट्टरवादी मुस्लिम के तौर पर है। देखिए, में कितना मुश्किल होगा आपके क्षेत्र? देखिए, ये आप मीडिया वाला सवाल कर रहे हैं, है ना, और इस तरह का पहचान आप लोग दिए हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की ही बात की जाती है, तो ये तो हर एक तबके में चल रहा है। देखिए, किस तरह से, मेरा सवाल ये है कि हम इसको बनाएंगे, पार्टी का क्या है ये तो नहीं जानते हैं, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि धर्मनिरपेक्ष, कंप्लीट धर्मनिरपेक्ष पर बात करते हैं वो, लेकिन हम जहाँ तक समझे हैं उनका जो बोलने का अंदाज़ है वो उर्दू है, पार्टी का नाम थोड़ा उर्दू लगता है, इसलिए लोग बिना उनके शब्द को, कुछ लोग है ना, बहुत कम लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं, उनको लगता है कि मुस्लिम का पार्टी है। पनोरमा ग्रुप प्रस्तुत करता है पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट 2020। आपके अंदर है यदि हुनर डांस, संगीत और चित्रकला की, तो बनाइए अपने मोबाइल से वीडियो और भेजिए पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 में और पाइए शानदार उपहार। फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपए, साथ ही अन्य कई गिफ्ट। सेकंड प्राइस 25,000 रुपए, साथ में अन्य कई गिफ्ट। थर्ड प्राइस 11,000 रुपए, साथ में अन्य कई गिफ्ट। पनोरमा स्टार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 8 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए। ऑडिशन के लिए वीडियो भेजने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2020। वीडियो 2 मिनट का होना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549000057।